सभी का स्वागत है हमारी न्यू व्लॉग में। तो आज हमारे यहाँ पर बड़े दिनों के बाद आज हमारे यहाँ पर औरों के साथ में बरसात हुई है बड़े दिनों के बाद। वैसे अब भी हल्की हल्की सी तो आ रही है, वरना बहुत तेज बारिश हो रही थी आज हमारे यहाँ पर। और बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे यहाँ पर इतने दिनों बाद बरसात हुई। तो चलिए इसी बरसात में हम भी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं एकदम बहुत अच्छी। इस बरसात में हम बनाएंगे कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ टेस्टी। चलगा शुरू होगी बारिश आने, इतने टाइम अंदर जाने नहीं रही। ऐसा बंद कर गए नहीं तो अभी अपनी रेसिपी बनाने स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ट्रैक्टर आयो स्टार्ट करेगी। शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है इसमें कसे हुए आलू। अब मैं पहले ना निचोड़ दूँ अच्छी तरह। खोल ली थी यूँ अब तो मैं कहीं मान ला इतना अब तो लगता है वो अपना थे। अब इसमें आप कोई सी भी सब्जी ऐड कर सकते हो। फर्स्ट टाइम बता दी है बता दी है कोई भी गोभी ली है और प्याज और बथुआ और कटी हुई हरी मिर्च। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर लूं कुछ। सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। किस नाम से ऐड करें? नमक के नाम से स्वाद अनुसार ही। थोड़ा सा गरम मसाला ज्यादा ना कह दिए मैंने पापा क्या हो गई ये क्या होगा ये हो जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दी। ज्यादा ना बोल ले अभी से मिलावेंगी मिलेगा तो है ही पीछे पीछे बोलू जा रहा। कहीं जाना होगा आज तो मेरा। ऐसी बारिश में कहाँ जा सकता है कोई आदमी। स्वर्ग में स्वर्ग तेरे नाम का बंदा स्वर्ग क्यों भाई जा भी जा गए काट को जाओ लड़ा ना बोल रहा ना तू ये पिलाल तो मर गई मुझे अब। अभी आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसको ज्यादा देर नहीं रखे हुए क्योंकि मैंने मतलब डाल रखा है ना पानी छोड़ दे भी मैं इसे साइड में रख दूँ दो मिनट डिब्बा भर ले 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 कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे तब कर लो। अब मैंने लिया इसमें जो गेहूं का आटा ये गेहूं का आटा है बिल्कुल हम इसकी हम लोई बना लेंगे। गेहूं के आटे में मैंने मैं भूल भी तो गया मैंने ख्याल ऐड किया इसमें
ये मैंने ली अजवाइन, अब मैं इसकी अच्छे से लोई बना लूँ। बिल्कुल ऐसे ही, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, बिल्कुल मीडियम साइज में। देखिए अगर आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हो। कितनी सारी भाप छोड़ रहा है मेरे पता नहीं कभी भूले। अब ये लोई तो मैंने सारी बना ली है, अब मैं इनको एक क्या करूं, मैं अभी ना बेल लूं, मैंने अच्छी तरह अच्छी तरह को बेल लगी, बेलन तो बेल लगी। हाँ अच्छी तरह बेल लगते तो बेल लगी, अब नहीं बेल जाएगी। तो तुम कह रही अच्छी तरह तो बेल लूंगी। अच्छी तरीके से, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, और मैं तो बहुत अच्छी तरह बहुत बढ़िया। दो दिनों पे बोल लगाओ उसे, जो बोलना जोर तो बोलना कर। अब फोन तो उनके पास था, 100% पुसुर पुसुर जर बढ़िया ना लगती है। मैं पता नहीं रोटी बना बह जाओ रोटी ना है इतनी बड़ी इतनी बढ़िया रेसिपी है यार, मेहमान भी तुम पूछे थे कैसे कुछ बनाया कर। यूट्यूब तो पूछ लो हैं, मुझे लगा मुझे दिक्कत है ना आऊं उधर जब ना आई तो वही चिपटन लग रहे सारे के सारे, बनी रहे नहीं चिपटन। तो एक दो तीन चार पाँच छह छह रोटियां मैंने तो तैयार हो गई है। ये एक रिवर्स गियर करना पड़ा। अब हम इसको इसके ऐसे ऐसे करके फैला लेंगे। परांठे बना रही और ये नहीं, और इसको भी ऊपर अब ऐसे ही रखा जाएगा। ये भाई पिज्जा पिज्जा बना रही है।
पिज्जा उज्जा आप देख सकते हैं, ये मैंने सेने के लिए रख दिया है। इसके नीचे मैंने तेल लगा दिया ताकि ये चिपके ना। आज ये ऐसा हो जाएगा जैसे स्टीम वाला वो हो जाएगा मोमोज। अब ये जब सह जाएगा उसके बाद आप देख लेना कितना अच्छा है। पिज्जा एक और रहेगा भाई। जब ये सही ये मैंने ऐसा काट दिया आप देख सकते हो। देखो मैं भी आ गई। तेल तो गिर डर है वो। कौन सी सब फूल लग रहे थे। नहीं बीच बनाने था खाने था मतलब सही बोल रहा है खाने का मतलब है। और है कि मेरे प्लान भैया